नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं रेबिका आपके साथ। चलिए केपी एक्सप्रेस कर्नाटक में अब तक की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। कर्नाटक सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान शराब की बिक्री बंद, आबकारी मंत्री ने की घोषणा। कर्नाटक में 6 जनवरी को 107 नए ओमिक्रॉन मामले सामने आए, चिंता बढ़ी। कर्नाटक में युगांडा का नागरिक सरलक बॉक्स में 1.5 करोड़ मूल्य की ड्रग्स ले जाते पकड़ा गया। वीकेंड कर्फ्यू शुरू होते ही वाहनों की जांच की जा रही है। लॉकडाउन अतीत की नीति, कोविड-19 को रोकने का उपाय नहीं, कर्नाटक मंत्री के सुधाकर ने कहा। आईपीएस अधिकारी भास्कर राव का कोविड परीक्षण सकारात्मक। कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा कि उन्होंने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण और उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोग मॉल शॉपिंग सेंटर से दूर रहे क्योंकि बेंगलुरु में कोविड के मामले में SCAI के अनुसार। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जीतने के लिए हाईटेक कोविड वार रूम की सराहना की। वित्तीय चुनौतियों के बावजूद बम्बई सरकार ने BBMP चुनावों से पहले बेंगलुरु के लिए 6,000 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दी। वीकेंड लॉकडाउन से पहले निकलने की कोशिश में बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुए सैकड़ों लोग। रायचूर और यादगिर जिलों में कुपोषण उन्मूलन के लिए विशेष उपाय, मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा। कोई कोविड नहीं है, यह सभी भाजपा की रचना है, कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कहा। कर्नाटक में अधिकारी सीमा क्षेत्र पर लोगों से नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट मांगी। बेंगलुरु NICU रोड के 4 तकनीकी विशेषज्ञों को हादसे में मौत। गदग भाजपा पार्षदों ने असम के लिए यात्रा शुरू की। स्पाइसजेट बोइंग 737 मैक्स आज बेलगाव में लैंड किया। जनता दल एस ने भाजपा कांग्रेस को दूर रखने के लिए जलाधर योजना बनाई। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने विद्यागम कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक ईश्वर खंडे के खिलाफ चुनावी याचिका खारिज की। कांग्रेस ने कर्फ्यू के पीछे कर्नाटक सरकार के तर्क पर सवाल उठाया। कर्नाटक भाजपा ने पंजाब सरकार को भंग करने के लिए राज्यपाल से गुहार लगाई। कर्नाटक ने 4,236 करोड़ रुपए की 87 परियोजनाओं को मंजूरी दी। युवा परेशानी में है क्योंकि भक्तों को दक्षिण कन्नड़ में खराब कोर गज्जा की नकल मिली है। तुलु को पहचान दिलाने के लिए दिल्ली में बाइक अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। केपी एक्सप्रेस कर्नाटक में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज़। ताज़ा खबरों के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।